हेलो फ्रेंड्स, जय कृष्णा। आज देखिए, हम ये आपको शॉल बनाना बताएंगे और ये मैंने माता रानी के लिए बनाया है और बहुत प्यारी डिज़ाइन बनी है। देखिए, बहुत प्यारी लग रही है। इसको आप अपनी शॉल के लिए भी बना सकते हो। ये डिज़ाइन मैंने बनाना बताया हुआ है और बहुत आसान विधि से बन जाती है। आप या तो बच्चे के जैकेट बना रहे हैं, स्वेटर बना रहे हैं, उसमें भी ये डाल सकते हैं। डिज़ाइन बहुत प्यारी लगती है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जैसे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, माता रानी की हम शॉल बना रहे हैं। उसके लिए मैंने ये 70 चेन बनाई है, और जो कि ये देखिए 40 इंच तक मेरी आ रही है। आपकी माता रानी की पहले आप नाप लीजिएगा कितनी लगेगी, उस हिसाब से आप लीजिएगा और लेंथ लेके उसके बाद उतनी चेन ले लीजिएगा, फिर डिज़ाइन चालू करिएगा। तो ऐसी परफेक्ट आपकी माता रानी की साइज की शॉल। 1, 2, 3, 4 and 5 वाले में जाएंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे थोड़ा खींच के। 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 बनाने के बाद 1, 2, 3, 4 and 5 वाले में जाएंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम हाफ स्टिच बनाएंगे, फिर लूप, फिर सेकंड वाले में हाफ स्टिच बनाएंगे। अब 1, 2, 3, 4 and 5 1, 2, 3, 4 and 5 लूप लेंगे और 5 वाले में जाएंगे। और यहाँ पे हम 9 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1, 2 तो 9 डबल ऐसे डबल क्रोशिया बना लेते। तो 9 बनाने के बाद फिर 1, 2, 3, 4 and 5 5 वाले में जाएंगे और यहाँ पे हम स्लिप नॉट लगा देंगे। अब यहाँ पे हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, 1 and 2 बनाने के बाद 1, 2, 3, 4 and 5 लूप लेंगे और यहाँ पे हम 9 बार ऐसे 9 बार बना लेते। तो ये देखिए, हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमें वर्क डन करना है और 1 चेन लेनी। अब जितने हमने सिंगल ये बनाए हैं इसके ऊपर हमें ऐसे करके बनाना है। तो हमें बस इस राउंड में हमें बस ऐसे करते चले जाना। तो ये हम कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, हम वर्क के एंड पे आ गए और यहाँ पे हम ऐसे करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये ऐसे लेंगे
और येलो ऐड करेंगे। तो ये मेरा येलो ऐड हो गया। टू एंड थ्री, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे नॉट लगा देंगे और रेड कट कर देंगे, ठीक है। अब हमने नंबर को टर्न करेंगे देखिए मैंने टर्न किया, टू एंड थ्री, थ्री चेन लेने के बाद ऐसे लूप लेंगे और इसमें ऐसे करके वन टू एंड थ्री, थ्री बार बना लिए, वन टू थ्री फोर फाइव, और फाइव वाले में जाएंगे, यहाँ पे हम इसको स्लिप नॉट लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार और बनाएंगे। अब वन टू थ्री फोर यहाँ जाएंगे, वन टू थ्री फोर तो यहाँ जाएंगे देखिए, और यहाँ पे हम नाइन बार ऐसे करके हम नाइन बार पहले डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने नाइन बना लिया है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन बनाने के बाद वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव वाले में जाके स्लिप नॉट लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर एक बार सिंगल क्रोशिया, अब फिर से देखिए हम वन टू थ्री फोर फाइव लूप लेंगे और फाइव वाले में जाएंगे, फिर से हम नाइन बार बना लेंगे। तो हमें लंबा लंबा ऐसे करके खींच के बनाना है। तो देखिए ऐसे करके हम नाइन बार पहले बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए मैंने नाइन बार बना लिया, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव वाले में जाएंगे और यहाँ पे स्लिप नॉट लगा देंगे, और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर वन टू थ्री फोर फाइव लूप लेंगे और फाइव वाले में जाएंगे, यहाँ हम नाइन बार वन टू थ्री फोर फाइव, तो देखिए हम वर्क के एंड पे आ गए, ठीक है। और ये मैंने डबल सिंगल क्रोशिया बना ली, वन टू थ्री एंड फोर,
तो यहाँ जाएंगे, लूप लेंगे, लास्ट वाले में जाएंगे और यहाँ पे हम फोर बार हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया करनी है। वन थ्री एंड फोर। तो जैसे मैंने रेड एंड करने के बाद सिंगल क्रोशिया की थी, वैसे येलो में भी सिंगल करना है ऐसे कम। तो देखिए इस तरह से मैंने ये फाइव लेयर और कंप्लीट की है और देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन बनके तैयार हुई है। इसमें ये मैंने पर्ल बीट लगा दी है और बहुत ही सुंदर लग रही है। आप इसमें कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हैं तो और ये हैवी हो जाएगी और इसको आप अपने लिए स्वेटर बना रह सकते हैं, जैकेट बना सकते हैं, शॉल बना सकते हैं, पोचो बना सकते हैं, अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन बहुत प्यारी लगती है, किसी चीज़ में भी यूज़ करेंगे। और मैंने ये अपनी माता रानी के लिए शॉल बनाई है और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।